Hello everyone, welcome to the new video. Well, in this video I am going to give you few tips regarding your IBPS SO interview. You guys are preparing well for your questions and answer, you are studying your own profile, you are understanding your own loopholes, are trying to overcome it, but iske alawa bhi kuch cheeze hoti hai jo aapko samajhna behad zaruri hai, and you should know what is the purpose of the interview, or maybe what interviewers expect from you. तो इसी को मैं 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओवरऑल इंटरव्यू क्या होता है. ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, पॉइंट नोट डाउन कर लो, समझ लो. इस पर आपने अच्छे से काम कर लिया रिगार्डिंग द होल इंटरव्यू, डेफिनेटली यू विल बी इन दैट फाइनल लिस्ट ऑन द 1st of April. ओके, और इसके अलावा भी कोई ये वीडियो देख रहा है जो दूसरे इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बात नहीं, डेफिनेटली कॉमन पॉइंट्स है तो आप ये आपके लिए भी डेफिनेटली ये वीडियो लागू होता है. सो लेट मी टेक यू टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट ये है जो इंटरव्यूअर देखता है, वो ये है, आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट. देखो, पूरे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर बाउंसर्स काउंटर अटैक चलते रहते हैं, बट आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जो आप कहते हो या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉबी का जब बताता हूँ मैं, अगर कोई जैसे शायरी गज़ल्स, एंड अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मेरे पास आंसर रहेगा शायरी गज़ल का, वरना ही बोलूँगा आलतू फालतू में. मैं बताऊँगा ना मुझे क्रिकेट पसंद है, जो करोड़ों लोग कहते रहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पता नहीं होते, सिर्फ विराट कोहली धोनी इतना नहीं. ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर अवार्ड्स हुए, उसमें किसको अवार्ड मिला नहीं पता है तो क्यों बोलते हो? यू मस्ट बी श्योर वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि सिर्फ आंसर में नहीं, आंसर के पीछे कुछ काउंटर अटैक हो जाए, सो यू मस्ट बी रेडी. सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर 15 मिनट्स. द वे यू वॉक इन, द वे यू शो योर बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. आप डरे डरे से सहमे से रहते हो ना, तो ऐसा लगता है कि इसको नाम भी पूछूँ तो ये हड़बड़ा जाएगा. कीप अ स्माइल, बिहेव नॉर्मल लाइक दैट, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली जाएंगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट. सेकेंड, कैन यू हैंडल प्रेशर. देखो, इंटरव्यू होता है एक बिजनेस के लिए, आपके नज़रिए से वो जॉब है, एक 9 to 6 की ड्यूटी है, बट बिजनेस है वो आपको सैलरी क्यों देगा जब तक आपको उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत रिस्क फैक्टर होती ही होती है, और वो जब प्रेशर सिचुएशन आए तो आप अपने उस पोजीशन में हो क्या संभाल सकते हो. आप पीओ बनो, एसओ बनो, नाम के आगे तो ऑफिसर है, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर को जब मैं देखता हूँ अगर इंटरव्यू है तो एक क्वालिटी दिखती है, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस्ड हो वो साइड में रख दो, और तभी आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस आपका, या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई थी, आपने इनिशिएटिव लिया था, ये पॉइंट पे आपको इसको एलैबोरेट करना है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं. क्योंकि देखो, जब एवरीथिंग इज गोइंग वेल एनीवन कैन मैनेज सिचुएशन, वहाँ पे इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन आपने कोई चीज़ हैंडल की है तो वो डेफिनेटली नोटिस होगा. तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ, एट द सेम टाइम यू मस्ट शो यूर लीडरशिप क्वालिटी, योर इनिशिएटिव एबिलिटी, विच विल गिव यू अ इम्प्रेशन कि वो बंदा देखेगा ही कि हाँ, बंदे में कुछ तो बात है. नंबर 3, दिस इज क्वाइट, मतलब मुंह पे पूछते ना, मुंह पे सवाल है कि डू यू इवन नो व्हाई आर यू ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री और जॉब. अब देखो, मैंने जिस तरीके से पूछा ना, मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि तूने प्रीलिम किया, मेंस किया, वो छोड़, तेरे को पता भी है तू इंटरव्यू की कुर्सी में बैठा क्यों है? अब वो मोटी सैलरी, अच्छी लाइफ, सिक्योर्ड लाइफ, ये ऐसे रटे हुए आंसर्स को थोड़ा साइड में रख दो, ये तुम लोग की बात हुई, उसको क्या मिल रहा है इससे? देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर वॉट क्वालिटीज़ यू हैव, वॉट नॉलेज यू हैव, थ्रू विच how you are looking to bring changes or positive things in the banking industrial sector. क्योंकि why do you want to join, मतलब आपके पास ऐसी क्वालिटी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में फला किस्म के लिए, एक्टिविटी के लिए आपके काम आ सकती है. इन शॉर्ट, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट. अरे, पगार तो आपको किसी भी जॉब में मिलेगी,
लेकिन उसमें ना पता चलता है कि बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मशीन की तरह आ रहा है 6 बजे निकल रहा है, मशीन की तरह आ रहा है 6 बजे निकल रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू शो हाउ जेन्यूनली यू वॉन्ट टू डू दिस वर्क, एंड यही वजह होती है जो आपको बाकी जो इंटरव्यू जो दे रहे वाले उनसे आपको जुदा करती है, अलग दिखाती है, अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली आपको एक बताना पड़ेगा कि आप क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपका पर्पज़ है और किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ देखते हो और कंपनी की भी या बैंक सेक्टर की भी ग्रोथ देखते हो, तो इस तरीके से आपको बताना है। नंबर 4, डू यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट योर स्ट्रीम और द सब्जेक्ट्स यू स्टडीड इन लास्ट ईयर ऑल्सो और एनी प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स इसलिए स्पेसिफिक कह रहा हूँ अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो, यानी कि जो सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ है उसके सब्जेक्ट्स का बेसिक पता है क्या, पूरी थियोरी नहीं लेकिन बेसिक चीज़ें, या फिर कह सकते हो फेमस चीज़ें, फेमस टर्म्स एंड कंसेप्ट। कहने का पॉइंट ये, अपने वो टर्म्स हमने पढ़ना शुरू किया है उसको थोड़ा और पुख्ता करो, पता होने चाहिए आपको कुछ चीज़ें, ठीक है, ताकि ये चीज़ें ना इम्प्रेशन अच्छा गिराती है। एंड मेरी इसमें राय ले लो तो, आपने प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी पे किया है, जनरली होगा ही कंपनी पे, उस कंपनी के बारे में जो भी आपने मान लो क्वालिटी सर्कल पे किया है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स वाई जेड है, तो ज़रा एक्स वाई जेड कंपनी का ज़रा आज का स्टेटस फाइंड आउट करो ना रिगार्डिंग द क्यूसी, मतलब जो प्रोजेक्ट आपने किया उस पे उसी कंपनी का एक आधा अपडेट, नहीं भी होगा ना तो कोई इशू नहीं है, प्रूफ के साथ बता दो कि मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले चेक किया था फला फला साइट पे, बट नो दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द मर्जर और एक्विजिशंस या जो भी है, इससे ना इंप्रेशन दिखता है। क्योंकि अगर उसने पूछा कि ये प्रोजेक्ट आपने 5 साल पहले किया था तो आप बोलोगे यस, तो अभी क्या है कलर ये कंपनी, कुछ आइडिया है, वो ऐसे ही दाव फेंक रहा है, नहीं भी आया तो इतना कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने वो आंसर दिया तो इम्प्रेशन गिरेगा, वो बाकी के 20 में से आपको अलग रखेगा, क्योंकि बंदा लेटेस्ट भी पढ़ के रखा है। और ये चीज़ पूछ क्यों सकते हैं, क्योंकि आपने रिलायंस पे प्रोजेक्ट बनाया तो रिलायंस के बारे में पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप ही ने सजेस्ट किया प्रोजेक्ट में नाम, तो ये बेसिक चीज़ों का पढ़ाई करो, ठीक है, एकदम पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपसे विकीपीडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि पूरा रट किया और टेप की तरह चालू हो जाना, वैसे नहीं एक्सपेक्ट करते वो लोग, बेसिक थिंग्स। एंड लास्ट कंक्लूडिंग, डू यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट दी करंट हैपनिंग्स, करंट हैपनिंग्स हियर आई मीन बेसिक करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग नॉलेज, मे बी बैंकिंग टर्म्स यू कैन से, ओके, क्योंकि कभी कभी वो लोग पूछते हैं ना ये टर्म बताओ, ये इसका रेट कितना है, तो बेसिक चीज़ों के बारे में पता करो। एंड आप लोगों ने जो अदर एग्ज़ाम्स दिए हैं PO मेंस वगैरह, तो कहीं ना कहीं आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा ही होगा, तो उसके थोड़े बेसिक चीज़ें देखो। मेरे हिसाब से अभी आप फेब एंड में जा रहे हो तो थोड़ा जनवरी के बारे में पढ़ो, एंड फेब में जो थोड़े 10-15 दिन बेसिक, अभी आज फेब तो हाफ हो चुका है, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ो, बैंकिंग के टर्म्स के बारे में पढ़ो, और कोई ऐसी एकदम हाई फंडू एकदम न्यूज़ है, कोई धांसू न्यूज़ है तो उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ना। तो सी बेसिकली इंटरव्यू इसी में बाइंड रहता है, ठीक है, पर्सनल मैंने अलग से क्यों नहीं बोला, क्योंकि पर्सनल जनरली पता होना ही चाहिए आपके मॉम डैड क्या करते हैं किस कंपनी में वगैरह वगैरह, सो ओके, इसमें अपने आप को प्रिपेयर करो। एंड मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाया उसकी लिंक भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।